Hello students, how are you all? I hope you are enjoying the holidays and doing homework very well. ठीक है, आप लोगों को सभी को अच्छे से होमवर्क करना है यदि आप नहीं कर रहे हैं तो. और जो जो भी डाउट्स हैं आपके, आप अपने टीचर से ग्रुप में पूछ सकते हैं. अंडरस्टूड? अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पेज नंबर 22 पर है, दैट इज़ पोइट्री अप्रिसिएशन. हमने जो कल पोयम पढ़ी थी उसका ये पार्ट है, एक्सरसाइज है. आइए हम देखते हैं जो पोयम में पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को. मैच द एनिमल्स विद देयर होम्स. हमें क्या करना है, जो हमें एनिमल्स बताए गए हैं पोयम में, यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए हैं, उनको अपने होम से मैच करना है. माउस कहाँ रहता है, तो माउस रहता है अ होल इन द वॉल, जो दीवार में होल होता है वहाँ पर माउस रहता है. बर्ड कहाँ रहती है, इन अ नेस्ट. द किटन यानी बिल्ली का बच्चा कहाँ होता है, तो अ बास्केट. एंड द राइटर ऑफ द पोयम, ये पोयम के राइटर कहाँ रहते हैं, एक हाउस में, एक घर में रहते हैं, क्योंकि वो क्या है, पर्सन है. और पर्सन कहाँ रहते हैं, होम में रहते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आंसर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको उनके आंसर देना है. बट इतना ध्यान रखिए, पोयम के क्वेश्चन आंसर हैं, आपको कॉपी में राइट करने की ज़रूरत नहीं है. पहला क्वेश्चन है हमारा, डज द माउस लाइक हिज होम. क्या माउस को उसका घर अच्छा लगा था, तो हमने देखा था माउस तो कह रहा था कि मेरा घर बेस्ट है, मतलब यस. डज द बर्ड लाइक हर होम. हमने बर्ड के बारे में बताया था, पढ़ा था कि बर्ड तो कहती है कि मेरा घर सुपर है, मतलब बहुत अच्छा है, तो वो भी अपने घर को पसंद करती है, मींस यस. डज द पोएट वांट टू लिव इन द किटन्स बास्केट. क्या पोएट जो था, जो कवि है हमारे यहाँ अनीता, क्या उनको किटन्स के बास्केट में रहना था, वो चाहती थी कि वो किटन के बास्केट में रहे. नो, वो उसके बास्केट में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको अपना खुद का घर पसंद था. व्हाई कांट द पोएट लिव इन द माउस होल. जो पोएट थी वो माउस होल में क्यों नहीं रह पाई. बिकॉज ही इज़ टू बिग फॉर द माउस. क्योंकि वो क्या थी, बहुत बड़ी थी माउस होल के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और माउस होल जो है बहुत छोटा है. ये हमारा आंसर है. द पोएट कांट लिव इन द माउस होल बिकॉज ही इज़ टू बिग फॉर द माउस होल. ये आपको राइट नहीं करना है, सिर्फ आप अच्छे से समझें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई कांट द पोएट लिव इन द किटन्स बास्केट. बास्केट में क्यों नहीं रह पाए वो किटन की, जो पोएट थी. तो द पोएट कांट लिव इन द किटन्स बास्केट बिकॉज ही इज़ टू हैवी. क्योंकि वो बास्केट कैसी थी, सॉरी, वो जो पर्सन थी, जो पोएट थी, वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा हैवी थी. हैवी थी मतलब किटन के बास्केट में बैठने की बात कर रहे हैं. तो किटन का बास्केट बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत हल्का होता है, और उसमें पोएट नहीं बैठ सकती थी. यदि वो उसमें बैठती तो वो स्क्वैश कर देती उसे. स्क्वैश कर देती यानी वो जो किटन का बास्केट था वो टूट जाता. अंडरस्टूड? एक्टिविटी करते हैं, बहुत प्यारी एक्टिविटी है, ठीक है. अभी आप इसको देखिए, आप मत देखिए, आप खुद सर्च कीजिए कि आप गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, इन वर्ड्स का यूज़ करके आपको आपके फ्रेंड जो माउस है उसको घर तक पहुंचाना है. तो कैसे पहुंचाओगे? अब सोचो कि माउस की प्लेस पे आप खड़े हो, उसका लेफ्ट आपका भी लेफ्ट होगा और उसका राइट आपका भी राइट होगा. मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, आप इसको पॉज कर लो, पहले खुद फील करो, फिर वीडियो वापस प्ले करना. चलिए, जिन्होंने पॉज करने के बाद फिर से प्ले किया है, मैं उनके लिए बता दूँ कि सबसे पहले माउस क्या करता है, उसको हम ऑर्डर देते हैं या कमांड करते हैं, गो स्ट्रेट, वो सीधा जाता है. फिर हम कहते हैं टर्न लेफ्ट, माउस का लेफ्ट है इसलिए हमें टर्न लेफ्ट कहना पड़ेगा, टर्न लेफ्ट, वो लेफ्ट जाता है. देन जैसे ही वो लेफ्ट में मुड़ता है, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, सीधे जाता है. टर्न लेफ्ट अगेन, फिर से वो लेफ्ट मुड़ता है, गो स्ट्रेट ऑन, वो स्ट्रेट जाता है. टर्न राइट, अब वो कहाँ जा रहा है, राइट में टर्न कर रहा है, अगेन टर्न राइट, वो राइट में टर्न करता है. नाउ गो स्ट्रेट ऑन, और वो अपने घर पहुंच जाता है ना, जहां उसका चीज़ रखा हुआ है. ये थी हमारी आज की एक्टिविटी और पेज नंबर 23, सॉरी, मैंने आपको स्टार्टिंग में 22 कहा था पेज नंबर, ये पेज नंबर 23 है. अंडरस्टूड? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन.